रोहन ऊपर आया नहीं, बंदरों को वैसे वो डर गया इसलिए वो नीचे रह गया। तो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ फरीदाबाद एक्सप्लोरेशन। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सूरज कुंड से। दोबारा से साथ में रोहन है और शिवम है और ये है सूरज कुंड। मैं ऊपर से टॉप व्यू दिखाता हूँ, ये पूरा चढ़ के आया मैं। वाओ, इतने ऊपर से ये सूरज कुंड को देखना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो ये सूरजपाल तोमर ने बनाया था 10th century में एज ए रिजर्वियर। अब ये ऐसे रिजर्वियर की तरह यूज़ नहीं होता, लेकिन एक ये प्रोटेक्टेड साइट है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर लोग आते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इतने अच्छे व्यू का मज़ा उठाते हैं। ये देखिए इतना बड़ा है, शिवम और रोहन यहाँ से ही आ रहे हैं। और इस फुटेज के लिए मैं कहाँ पे चढ़ा मैं दिखाता हूँ। यहाँ से लेके मैं फुटेज दिखा रहा था मैं आप लोग को, और अभी शिवम भी आएगा बता दो कहाँ से। यहाँ से ये रास्ता है ना, यहाँ पे चढ़ना है। शिवम बिल्कुल बंदरों की तरह चढ़ते हुए, और नीचे से ये ऐसा व्यू आ रहा है यहाँ पे। हम लोग अभी सबसे ऊपर थे और अभी नीचे आए। ये जो जूते पहने मैंने स्केचर्स के, इसने आज काम कर दिए, इसने शू बाइट दे दिया है। एक ये रहे इस पैर पे भी है और इस पैर पे अब स्टार्ट हुआ है, तो चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम तीनों ऊपर जाएंगे, इसने शिवम ने टाइम लैप्स लगा के रखा है। ऊपर जाते जाते तक वीडियो बनेगी। एक काम करता हूँ, मैं भी बना लेता हूँ थोड़ा। और हाँ, जो भी नीचे आएगा वो दोनों कैमरा लेके आएगा, तो देखते कौन आता है नीचे। राहुल के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ उसके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत टैलेंटेड लड़का है हमारा, बहुत मेहनत कर रहा है। तो थोड़ा सा पोपट हो गया, टाइम लैप्स सिर्फ 3 सेकंड का बना है। वो ऐसा क्यों, मैंने क्या गड़बड़ की, फ्रेम ज़्यादा रख दिया मैंने 1 सेकंड में, इस वजह से। रोहन की फटी बड़ी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदर बहुत सारे वहाँ पे। राहुल आ जा, उधर से चलते हैं। तो ये बंदर बहुत सारे हैं यहाँ पे। रोहन निकल चुका है। अब इतने सारे बंदर देख के मुझे भी लगता है कि रोहन के साथ साथ चले जाना चाहिए। भाई क्या किया जाए, रोहन तो निकल चुका है, रोहन वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है हमारा। और वापस हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन बंदरों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, और छोटे छोटे बच्चे होने के कारण उनकी माँ को ये ना लगे कि हम लोग उनको उठाने आए हैं। तो इसीलिए रिस्क ना लेते हुए हम लोग वापस जा रहे हैं। और ये वाला बंदर यहाँ पे मस्त चिल कर रहा है, ये देखो छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही। अगर रोहन निकल रहा है फंस गया, वो फंसा, रोहन निकल गया तो हम भी निकल जाएंगे फिर। और शिवम भी निकल गया, तुम्हारी हसल निकल गई, क्या बेकार का जिम करते हो। अरे भैया सर बचा के। तो ये यहाँ पे ये किराने की दुकान है। हाँ जी। ये कितने साल से आप चला रहे हैं? ये 50 साल हो गए। इतनी ठंड लगती है रात को यहाँ पर जो है ना, अगर आदमी रुक जाए ना अंदर कमरे के अंदर, तो उठना जो है भारी हो जाएगा, शरीर में दर्द हो जाएगा उसके। जिसने बनाया ना आर्किटेक्ट ने, उसने इस प्रकार से बनाया हमें कि इसमें गर्मी का तो मतलब ही नहीं है। और फिर ये पंखे जो है हमारे जो है लाइट से नहीं चलते हैं। अच्छा, तो किससे चल रहे हैं ये? सूरज के उससे। अच्छा, सोलर लाइट चल रहे हैं। अच्छा, यही तो बात है इसमें। अरे वाह, ये बढ़िया सिस्टम कर रहा है। लाइट ज्यादा पड़ेगा उतना इतना तेज हो जाएगा ये। हाँ। कि आदमी रात को बैठ नहीं सकता। अच्छा, हाँ यही तो कहानी है। अरे वाह। तो गूगल लोकेशन में जो लोकेशन दिखा रहा था वो गलत था। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और लोगों ने कहा यहाँ पे कोई डैम नहीं है। डैम है लेकिन थोड़ा आगे जाके, तो हम दोबारा से गाड़ी में बैठेंगे। कोई सेंट स्कूल है उसके पास से लेफ्ट लेंगे, फिर आगे जाके डैम होगा। देखते ढूंढते, मिलता है तो दिखाते हैं।
तो इतनी देर से हम लोग बांध ढूंढ रहे थे, अड़ंगपुर डैम ढूंढ रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। राहुल को इतनी देर बोल रहे, इतनी देर लग गई। तो ये लोग मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं कि मेरे को थोड़ा टाइम लगता है बोलने में। इतनी देर। और उसके बाद फिर एक साइकिल में एक बच्चा दिखा, उसने बोला कि हम पहुंचा देते हैं आपको, तो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं हम। क्या बात है, ये है डैम एंड इट्स डैम ब्यूटीफुल। फर्स्ट यूट्यूबर्स टू एक्सप्लोर अनंतपुर। यहाँ पे मस्त आप क्रिकेट खेल सकते हैं, बहुत लंबी पिच है। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो यहाँ की और अच्छी फुटेज आती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रोन नहीं है, तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसको बेस्ट पॉसिबल वे में मैं दिखाता हूँ। मुझे लग रहा है जहाँ तक कि वो बीच में जहाँ पे पत्थर से गिरा हुआ है, वहाँ पे पहले रास्ता था पानी आने जाने का, और वो पीछे वहाँ पे एक स्लोप भी है, तो अब वो बंद हो चुका है, तो इस वजह से उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन ये डैम ही है। तो ये अंदर कुछ ऐसा लोहे का दरवाज़ा टाइप का कुछ है? लोहे का दरवाज़ा है सर। तो ये रहा, ये है पूरा अरंगपुर डैम। तो ये हम लोग आ गए हरि पर्वत मंदिर पे, और यहाँ भी बंदर है बहुत सारे। अनंतपुर विलेज में बंदर बहुत ज़्यादा है। मैंने पढ़ा था कहीं पे कि ऊपर मंदिर तक जाने के लिए 201 सीढ़ियाँ यहाँ पे। और ये बहुत ही खूबसूरत सा स्कल्पचर बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस कला की कोई कीमत नहीं, आसपास गंदा कर रखा है। और ये रहा पूरा अनंतपुर विलेज, और ऊपर है मंदिर। ये बहुत ही अच्छा स्कल्पचर है कृष्ण भगवान का। मंदिर वैसे बंद था, लेकिन हम लोगों ने बाहर से दर्शन कर लिए और अब वापस जा रहे हैं। रोहन ऊपर आया नहीं, बंदरों को वैसे वो डर गया, इसलिए वो नीचे रह गया। भाई मंदिर कब खुलेगा? घने दिनों बाद खुलेगा। तो ये गाड़ी में बैठ के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ऊपर इतना तगड़ा व्यू था, तुमने वो मिस कर दिया। कोई नहीं, आपके आंखों से देख लेंगे। चलो व्लॉग में देख लेना। तो अभी अपन लोग हैं फुट ओवर ब्रिज में, यहाँ पे कुछ टाइम लैप्स ले रहे हैं। शिवम यहाँ अपने कैमरे से टाइम लैप्स ले रहा है, रोहन नीचे अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, और ये रहा टाइम लैप्स। तो ऊपर पेंट का काम चल रहा था, और ये पूरी इसकी गाड़ी गंदी हो गई है। ज़्यादा गिर गया क्या पेंट? अरे बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। आप तो उतर के देखोगे ना, ऐसे पगला जाओगे आप। कोई नहीं, ये कह रहे कोई बात नहीं, ठीक करा लेंगे। अब चलते हैं आगे, NIT जा रहे हैं। देखो चाचा पेंट, देखो अपनी गाड़ी में, ये नहीं यहाँ देखो पूरा। सेक्टर 21 में फरीदाबाद के, और यहाँ पे हम लोग छोले कुलचे ट्राई करेंगे, ये अपना शूट करेगा, और हम लोग भी कुछ ना कुछ खा लेंगे। हम लोग यहाँ शूट करने वाले थे, लेकिन भैया ने कहा कि रोहन आप आराम से आओ, मंडे को शूट करना है, थोड़ा सा भी रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पे, तो मंडे को या ट्यूजडे को हम लोग दोबारा पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग छोले कुलचे जरूर ट्राई करेंगे, और ये बहुत ही अच्छा फेमस आउटलेट है यहाँ पे, लोग यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे खाओ, ज़रूर खाओ, तो खा के देखते कैसा है। और ये है इनके छोले कुलचे, जिसमें दो कुलचे हैं, और ये छोले हैं, साथ में प्याज है, और ये सैलेड है, और ये रोहन है जो खा के बताएंगे।
क्योंकि ये है फूड ब्लॉगर। मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई खाके बताता है, कभी सुशांत बताता है, कभी पृथ्वी बताता है, आज बताएगा रोहन। कैसा लगा? बढ़िया। एक वर्ड में डिस्क्राइब करिए। लाजवाब। लाजवाब। अच्छा। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर अनंगपुर डैम है, जहाँ पर राहुल भैया आपने काफ़ी स्टडी किया था अनंगपुर डैम के बारे में, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। हम ये सब चीज़ अपने दर्शकों को नहीं बताएंगे, बड़ा हिस्ट्री हो रहा है, सॉरी दर्शकों। अगर मैंने आपको बोर किया तो उसके लिए राहुल भैया सॉरी मांग रहे हैं। भाई मेरी दाल निकल रही है, जेन्युइन निकल रही है, क्या कर लूं, चबाया नहीं आ रहा देखिए। हां हल्के नो मतलब तेज ना हो, छोड़ चिंता ही ना करो, तेरे तो छोड़ देना एक राई खाते, ऐसा होएगा ही नहीं, उल्टे तरफ से खा ले भाई।